यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा विधानसभा के एक दिन के सदन के दौरान हुए सूबे के मंत्री कृष्ण बेदी और विपक्ष के नेता अभय चौटाला के विवाद पर पूर्व मंत्री और झज्जर से विधायक गीता भुक्कल ने टिप्पणी की है। भुक्कल का कहना है कि सत्ता और विपक्ष के दोनों को मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, जबकि दोनों तरफ से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं भुक्कल ने इनेलो को भाजपा की बी टीम बताया और कहा कि जब करण सिंह दलाल के साथ अभय चौटाला का विवाद हुआ था तो दलाल को एक साल तक सदन से निष्कासित किया गया था, लेकिन अब अभय चौटाला के खिलाफ सिर्फ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। साथ ही भुक्कल ने झज्जर नगर पालिका में घपला होने की बात कही और जाँच कराने की मांग की। वहीं उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में बेटियाँ महफूज भी नहीं हैं। सत्ता पक्ष और चाहे विपक्ष हो, मान मर्यादा का ध्यान सबको रखना चाहिए और जिम्मेवारी के साथ ही सदन में भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दोनों तरफ से ही अमर्यादित भाषा, दोनों तरफ से ही एक दूसरे के ऊपर लाछन लगाने का काम हुआ। पिछली बार करण सिंह दलाल जी और अभय चौटाला जी के साथ हुआ, सरकार की, क्योंकि ये तो ए और बी टीम है, एक साल के लिए करण सिंह दलाल जी को बाहर निकालने का काम किया और केवल अभय चौटाला के खिलाफ निंदा प्रस्ताव हुआ। गलौच अमर्यादित भाषा का प्रयोग हमने अक्सर सुना है कि मंत्री जो है वो विधानसभा के अंदर और बाहर करते रहते हैं, तो जो भी घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये स्पीकर की जिम्मेवारी बनती है विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते और सदन के नेता होने के नाते, जो है मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी बनती है कि जब एक दिन का सदन है वो भी उनसे नहीं चल रहा, सरकार उनसे चल नहीं रही है, विधानसभा का एक दिन का सत्र भी उनके काबू का नहीं है, तो मैं समझती हूँ सरकार के काबू से बाहर की बात जो है आज हरियाणा प्रदेश में हो चुकी है। मेरे संज्ञान में ये मामला आया था और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को मैंने उनसे बात भी की थी, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि ऐसी बहुत सारी जगह ऐसी है कि जहाँ पर नहीं बना रहे, बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर पक्की ऑलरेडी बनी हुई है, जबकि एज पर रूल जो गली बन चुकी है 12 साल तक आप उसको दोबारा बना नहीं सकते, अनलेस उसमें कोई पाइपलाइन ना दबी हो। आप पब्लिक हेल्थ से या पीडब्ल्यूडी वालों से बात नहीं कर रहे, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, घपला पूरी तरह से हो रहा है। जो पैसा हमारे समय में कई करोड़, कम से कम 14-15 करोड़ से ज्यादा की राशि जो है हम नगर पालिका में छोड़ के गए थे, आज जो है बाकी जगह काम होने की बजाय जो पक्की गलियों को ये जो भी घपले कर रहे हैं हम आएंगे पूरी की पूरी से जांच भी करवाएं। तो जो ये लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, यूनैनिमसली विधानसभा में कानून पास हुआ था कि पहले भी कानून थे, आगे भी कानून बनते रहेंगे, लेकिन जो है न्याय जरूर मिलना चाहिए और कानून व्यवस्था पूरी तरह से सजग होनी चाहिए, ताकि बहन बेटियां अपने आप को ना घरों में सुरक्षित पा रही हैं, ना कोई शिक्षण संस्थाओं में, ना बाहर। तो आज प्रदेश का माहौल जो है ज्यादा खराब होता जा रहा है, केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने, छपवाने या दीवारों पर लिखने से नहीं होगा, वाकई ही बेटियों को बचाने के लिए सरकार को गंभीर होना पड़ेगा।